सो वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। और गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 आज के मैच की, यानी दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद की। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी टीम ज़्यादा तगड़ी लग रही है आज के मैच के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो से। सो गाइस आईपीएल 2020 शुरू हो चुका है और आज होगा इसका 11th मैच, जो होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11। सो इनके जो प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 है उसमें ओपनिंग करने वाले हैं पृथ्वी शॉ और शिखर धवन। ये तो सब लोगों को पता ही होगा कि शौर्य है, क्योंकि उनका जो फॉर्म है ओपनिंग में बहुत ही बढ़िया चल रहा है दोनों ही प्लेयर्स का। सो मोस्ट प्रोबेबली वो ही ओपनिंग करेंगे, 100% चांसेस इन दोनों के ही। अब वन डाउन पे आए तो सिमरन हेटमायर भी आ सकते हैं, श्रेयस अय्यर भी आ सकते हैं और ऋषभ पंत भी आ सकते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो अगर सनराइजर्स हैं वो पहले बैटिंग लेते हैं और 130 से 150 के बीच में स्कोर करते हैं, तो फिर तो सिमरन हेटमायर रहेंगे क्योंकि वो हैंडल कर सकते हैं इतना तो। और अगर वो 160 से अपर स्कोर करते हैं तो फिर श्रेयस अय्यर भी आ सकते हैं और ऋषभ पंत भी आ सकते हैं। ज़्यादा चांसेस ऋषभ पंत के हैं क्योंकि वो ज़्यादा हिटिंग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है श्रेयस अय्यर कम हिटिंग करते हैं, वो भी अच्छी हिटिंग करते हैं, लेकिन ऋषभ पंत ज़्यादा हिटिंग करते हैं। सो चांसेस तीनों के ही हैं। अब वो स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर SRH की बैटिंग पहले आती है तो वो क्या स्कोर बनाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। सो सिक्स प्लेस पे आते हैं मार्कस टॉइनिस। अब मार्कस टॉइनिस का भी बहुत ही अच्छा फॉर्म चल रहा है, पहले मैच में उनने आखिरी में 53 बना के दिल्ली कैपिटल्स को जिताए दिया, क्योंकि पहले तो दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर कुछ भी नहीं था, फिर उनने जो आखिरी में 50 बनाई उससे वो 150 तक पहुँचे, तो उसके बाद से मार्कस टॉइनिस का फॉर्म अच्छा ही रहा है। सो मार्कस टॉइनिस तो आएंगे ही टीम में। फिर आते हैं अक्षर पटेल पे, जो आएंगे 7th पे। सो अक्षर पटेल बैटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन जो बॉलिंग है वो उनकी बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल और विकेट टेकिंग रहती है, मतलब वो 2-3 विकेट लेते हैं या फिर 1-2, और बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी अच्छी होती है उनकी, जैसे 4 की इकोनॉमी 4.25 या 4.50 की इकोनॉमी से वो विकेट्स लेते हैं। सो वो बहुत ही बढ़िया इकोनॉमी है। सो अक्षर पटेल को तो रखेंगे स्क्वाड में। अब आखिरी के 4 बॉलर्स की बात करें तो रविचंद्रन अश्विन जो हैं वो इंजर हो चुके हैं, सो इसलिए वो तो अब आएंगे नहीं, तो उनके रिप्लेसमेंट में अमित मिश्रा एक अच्छे बॉलर हैं, वो अच्छे लेग स्पिनर हैं और वो विकेट्स भी ले जाते हैं 2-3, और वो बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग करते हैं, मतलब उनकी इकोनॉमी 5.50 से लेके 6.00 तक रहती है, तो वो अच्छी इकोनॉमी है बहुत ही ज़्यादा। सो अमित मिश्रा की तो प्लेस बन चुकी है अब टीम में। और अब नेक्स्ट बात करें तो कगिसर अबादक। कगिसर अबादक भाई ऐसे बॉलर हैं जिनके बारे की तो कुछ बात ही नहीं है, मतलब उनकी बॉलिंग इतनी बढ़िया रहती है, वो 3 विकेट तो हर मैच में लेके जाते हैं और 24 बॉल्स में, मतलब 4 ओवर्स में 26 या 30 रन ही देते हैं। सो वो अच्छे इकोनॉमिकल बॉलर भी हैं और वो विकेट्स भी लेते हैं, तो उनकी तो पक्की है प्लेस टीम में। अब नेक्स्ट प्लेयर है एंड्रिक नॉर्जे, तो ये भी एक अच्छे बॉलर हैं, इनकी इकोनॉमी भी 5.75 से 6.00 तक रहती है, तो इकोनॉमी भी अच्छी है और ये 1 या 2 विकेट्स तो ले ही लेते हैं हर मैच में, तो ये भी बहुत ही अच्छे ऑप्शन है लेने के लिए टीम में। अब लास्ट में हम आते हैं तो अवेश खान को टीम में से रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि अब वो मतलब लास्ट मैच में उनने 4 ओवर्स में 42 रन दे दिए थे, सो वो बहुत ही ज़्यादा थे, तो मेरे ख्याल से उनको रिप्लेस कर देना चाहिए या तो मोहित शर्मा के साथ, क्योंकि मोहित शर्मा ही एक ऑप्शन है जो अच्छे तरीके से रिप्लेस कर पाएंगे उसको, तो मेरे ख्याल से मोहित शर्मा के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए अवेश खान को, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के पास अभी ना ही ईशांत शर्मा है, सो इसलिए उनको मोहित शर्मा के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए अवेश खान को, क्योंकि अवेश खान की इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी नहीं रह पाती और वो ज़्यादा रन दे देते हैं। अब SRH के स्क्वाड के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वाड तो भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, लेकिन SRH में कोई कम नहीं है। तो SRH के स्क्वाड के बारे में आप बात करते हैं। सो जो SRH है उनके ओपनिंग पार्टनरशिप करेंगे डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो। अब पिछले 2 मैचेस में से ये जो पार्टनरशिप है ये ज़्यादा अच्छी नहीं रह पा रही, क्योंकि जो डेविड वार्नर है कभी वो आउट रहते हैं और कभी जॉनी बेयरस्टो,
कभी ऐसा होता है कि जॉनी बेस्टर स्कोर करते हैं और कभी ऐसा होता है कि डेविड वॉर्नर। सो ये पार्टनरशिप ज़्यादा लंबी टिक नहीं पा रही पिछले दो मैचेस में से, लेकिन हो सकता है कि इस मैच में ये पार्टनरशिप ज़्यादा लंबी टिक जाए और एसआरएच अराउंड 200 का स्कोर कर दे, क्योंकि इस आईपीएल में मोस्टली सारी टीम्स ही 200 का स्कोर कर जाती है। सो हो सकता है इस मैच में भी 200 देखने को मिले हम। और वन डाउन आएंगे मनीष पांडे, ये बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव खेलते हैं और अच्छी हिटिंग करते हैं और इनके मतलब रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और ये रन आराम से निकाल लेते हैं हर बॉल पे। सो ही इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन और इनको टीम में लेने चाहिए। अब सेकेंड डाउन आए तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन हैं, रिद्धिमान साहा या फिर श्रीवत गोस्वामी। अब मैंने श्रीवत गोस्वामी को क्यों लाया ऑप्शन में बताता हूँ। अब जो रिद्धिमान साहा है उनने लास्ट मैच में मतलब इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उनने 30 रन बनाए थे और लेकिन बहुत ज़्यादा स्लोली, उनने बस 1/4 मारे थे। सो मेरे ख्याल से उनको या तो श्रीवत गोस्वामी को लाना चाहिए। श्रीवत गोस्वामी ऐसा कर सकते कि वो कैमियो खेल लें या फिर वो थोड़े 40 या 50 रन बना लें, तो मेरे ख्याल से उनको श्रीवत गोस्वामी को अब लाना चाहिए टीम में और एक बार उनको ट्राई करना चाहिए। अब फिफ्थ प्लेस पे आते हैं मोहम्मद नबी। अब ये बहुत ही अच्छे हिटर हैं और ये आराम से 20-30 रन का कैमियो खेल सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी स्पिन बॉलिंग भी कराते हैं, तो ये एक अच्छे ऑलराउंडर हैं और ये टीम को दोनों जगहों पर हेल्प कर सकते हैं, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। अब सिक्स नंबर पे आए तो हमारे पास दो ऑप्शन है, फैबियन एलन और जेसन होल्डर। अब फैबियन एलन को लेना चाहिए क्योंकि अभी जो आगे का मैं आपको बताऊंगा स्क्वाड मतलब टीम 11, उसमें जो मोस्ट पेसर्स हैं तो स्पिनर्स की थोड़ी कमी पड़ जाएगी इनको, तो इनको फैबियन एलन को लेना चाहिए अदर देन जेसन होल्डर, या फिर मैं आपको आगे चल के एक और ऑप्शन बताता हूँ। अब सेवेंथ प्लेस पे आते हैं रशीद खान। अब रशीद खान तो सब लोग जानते होंगे, बहुत ही बढ़िया स्पिनर हैं और इनकी हिटिंग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, मतलब इनकी स्पिनर मतलब ये इनकी बॉलिंग तो है ही बढ़िया लेकिन इनकी हिटिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो ये भी दोनों साइड पे मोहम्मद नबी की तरह हेल्प करेंगे एसआरएच को और ये भी एक ऐसा बन सकते हैं कि गेम चेंजर बन सकते हैं इस मैच में। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे भूवी। सो भूवी जो है वो भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मतलब अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, वो भी विकेट्स ले सकते हैं, लेकिन पिछले दो मैचेस में से उनका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं चल रहा, लेकिन हो सकता है कि वो इस मैच में अच्छा करें। सो अब नेक्स्ट है खलील अहमद। सो खलील अहमद के बहुत ही अच्छे पेसर हैं और उनको तो टीम में लेना ही चाहिए क्योंकि वो विकेट्स भी बहुत ईजिली ले जाते हैं और उनकी बॉलिंग भी बहुत बढ़िया है, सो खलील अहमद भी एक अच्छे ऑप्शन है टीम में लेने के लिए। अब टेंथ प्लेस पे आए तो हमारे पास दो ऑप्शन है, बिली स्टैनलेक और शबाज नदीम। अब शबाज नदीम को मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये एक स्पिनर हैं और जो एसआरएच है उनको स्पिनर्स की ज़रूरत है, सो शबाज नदीम को या तो ये ले सकते हैं या फिर ये फैबियन एलन को ले सकते हैं, और या तो बिली स्टैनलेक को ले सकते हैं या फिर जेसन होल्डर को ले सकते हैं। अब 10th पोजीशन की बात करें तो मतलब 11th पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल से प्लेस फिक्स है थासारू नटरंजन की, क्योंकि ये एक अच्छे यंगस्टर हैं जो अच्छी बॉलिंग कराते हैं और विकेट्स भी ले जाते हैं, तो ये एक अच्छे ऑप्शन है एसआरएच के लिए और ये इनके लिए 2-3 विकेट ले जा सकते हैं आराम से। अब बस इनको यही चाहिए कि सब इनके लिए अच्छी बॉलिंग करें और अच्छी बैटिंग करें। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से कौन सी टीम का प्लेइंग 11 ज़्यादा तगड़ा लग रहा है। सो मुझे तो अभी यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स ऐसा लग रहा है कि भारी पड़ जाएगी सनराइजर्स हैदराबाद के ऊपर, क्योंकि उनका बस प्लेइंग 11 ही तगड़ा नहीं है, उनका अभी तक आईपीएल 2020 में रिकॉर्ड भी बहुत तगड़ा रहा है। पता नहीं कैसे सनराइजर्स हैदराबाद पूरे दोनों मैच हार चुकी है अपने स्टार्टिंग के और दिल्ली कैपिटल्स दोनों जीत चुकी हैं, तो मेरे ख्याल से अभी दिल्ली कैपिटल्स ज़्यादा तगड़ी लग रही है इस मैच में, लेकिन हो सकता है कि सनराइजर्स भी जीत जाए क्योंकि उनके पास गेम चेंजर्स हैं। सो इसमें ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी टीम जीते, लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्लेइंग 11 तो दिल्ली कैपिटल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है और इनके ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं इस मैच को जीतने के। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो गाइस, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट अपकमिंग अपडेट्स ऐसी वीडियोज़ के, और चलो फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।